तो कल का प्लान है ट्रैकिंग करने या कुछ? और पापा मम्मी कह रही मैं नहीं जाऊंगी। और मम्मी सबसे तेज भागती है, हम लोग पीछे पीछे भागते रहते। तो कल ब्रेकफास्ट पूरा घुमाया जाएगा, घूमेंगे फिरेंगे गांव के दूसरा हिस्सा। हाँ, और दूसरा मेन जो आपको मतलब हमें बेनिफिट ये है कि मैं वहाँ से स्कूल जाता था, चढ़ाई जाता था, मैं उसको उनको दिखाऊंगा 4-5 किलोमीटर कितना ऊपर। मैगा भी है, चलो मम्मी का मैगा वाला गाँव है ना, मैगा गाँव है, हल्द्वानी है। मम्मी और मैं एक जैसे तो कपड़े एक जैसे चटनी खा रहे हैं हम लोगों ने आज। मम्मी अपने घर से रात को 7:30 वहाँ से चल के आते थे, और वहाँ फसल अपनी मम्मी के लिए पानी भर के आते थे, कहती मेरी मम्मी के लिए पानी कौन लाएगा, इतनी सेवा करते थे मम्मी, और तब वहाँ से यहाँ आते थे। किसके लिए मतलब? हमारे वहाँ गाँव बहुत दूर रहता है ना, पानी दूर से लाते हैं, तो अब एक फोम पानी रखे मम्मी को तकलीफ होगी, पानी लाएंगे करके वो पानी भर के जाते हैं, ताकि मतलब उस दिन वहाँ से बचत हो जाएगी मम्मी को, मम्मी काम ना करना पड़े। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल वैन लाइफ इन कपल। तो हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और ये है यहाँ के नज़ारे, थिक फॉरेस्ट, किस चीज का ये? पाइन वुड, पाइन ट्रीज का ये पूरा जंगल है, और ये है ब्यूटीफुल रास्ता, हमारी गाड़ी भी खड़ी है। तो गाइस, प्लान तो हमारा ये था कि हम इस उत्तराखंड सीरीज में कुमाऊं रीजन को एक्सप्लोर करेंगे, पर कुछ ऐसा संयोग बना कि हम इस जगह में रम गए और इसे छोड़कर आगे जा ही नहीं पाए। पता नहीं इस जगह में और यहाँ के लोगों में क्या पॉजिटिव एनर्जी है जिसने हमें यहाँ बांध कर रखा, और अब दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश उठी है जिसके बारे में हम आपको इस व्लॉग में आगे बताएंगे। तो गाइस, वॉक करके वापस आ चुके हैं वनार, ये खड़ी अपनी गाड़ी, टोटल हुआ है 49 मिनट्स। हालत साहब अप स्लोप, ये है आज की सुबह, और ये बन रहे प्रिपरेशन हो रही है। हाँ, तैयारी गोभी के पराठे। ये है यहाँ का व्यू, मॉर्निंग में वॉक करने गए। हाँ, दिखाया नहीं आज, कोई नहीं, क्या हो रही वो कर रही हूँ ना सॉटे। तो गोभी के मसाला सॉटे ना शुरू हो गया है, मम्मी नानी तैयारी क्यों कर रही है? तो गए सुबह सुबह बनाने शुरू कर दिए मैंने पराठे गरम गरम, देख रहे हो बनाने ले हो फट भी गए, तू फटा बेली गरम गरम पराठे उसको पहले घी मत लगाना, ठीक है? पहले सेकने दो, पहले जब एक तब घी लगा। चाय करने वाली है? खा लो। गाइस, हर पेरेंट्स की लाइफ में एक डिफिकल्ट फेज आता है जब बच्चे घर छोड़कर जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से दूसरे शहर में रहने लग जाते हैं, और उसी जॉब प्रेशर की वजह से बहुत कम वक्त मिलता है पेरेंट्स के साथ वापस आकर कुछ समय बिताने का। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है जिसमें पेरेंट्स देहरादून में रहते हैं और हम जोधपुर में जॉब करते हैं। तो इस बार काफी समय बाद हम चारों को मौका मिला है साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, और मम्मी पापा के लिए कुछ उनकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें गर्मा गर्म खिलाने का। तो गाइस, ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जहां हमारी एक और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो देखा जाए तो वो लोकेशन यहां से पैदल केवल 3 किलोमीटर दूर है, पर हमने डिसाइड किया कि हम अपनी कैरवैन में रोड से होते हुए जाएंगे, जिससे यह डिस्टेंस 3 किलोमीटर से बढ़कर 20 किलोमीटर हो गया।
ये जगह किसी भी ड्रीम लोकेशन की तरह ही है, जिसे देखकर हमें बचपन में बनाई हुई सीनरी याद आ गई। गहरा नीला आकाश, उसमें उड़ते हुए सफेद बादल, दूर तक फैली हुई पर्वतों की श्रृंखला, एक तरफ घने जंगल, गांव के छोटे छोटे घर और पहाड़ों से गिरते हुए झरने जो नीचे नदी में मिल रहे थे। तो अब टाइम आया है हमारे छोटे से सपने को रिवील करने का, जिसमें हम आने वाले कुछ सालों में शहर की भीड़भाड़ से दूर इन हसीन वादियों में बसना चाहते हैं। कुछ ज्यादा नहीं, एक छोटा सा सेल्फ कंटेन इको कॉटेज, साथ में एक ऑर्गेनिक फार्म और बहुत सारा सुकून। दादी के आदमी दे दे। हाँ ये। ये ध्यान बैठे कहाँ हैं वो कल दे। वो तो छोटा होता है थोड़ा सा। दादी का तीन सौ ऐसे। हम दादी के संग करते थे। थोड़ा छोटा था वो। ये भी एक कमरा हुआ सोने वाला बहुत। ये ऐसे छोटा सा रसोई है कि हवी हुआ है। ये है यहाँ का गोट। हाँ, कितनी बकरी है यहाँ पे? लेके आओ उसको, है ना? उसको भूख लगी। आ गई छोटी सी, इसको ले जाओ, लेके जाओ, जाओ अंदर ले जाओ उसे, चलो लेके जाओ। वो देखो, अब वो दूध पीने लगी मम्मा का। क्या कर रहे हो तुम? कुकिंग कर रहे हो बड़े हो गए? अच्छा। तो यहाँ से मतलब ये सीधे यहाँ नीचे गधेरे में, गधेरे से ऊपर चढ़ाई को जाते थे। मुडवा की रोटी खाई इन्होंने, सब बासी और उसमें मलाई लगाई खाई। आप चाचा को निर्भर न, अरे तो और कितनी शैतानी करते थे पापा? शैतानी तो नहीं थी बचपन में, घर में पता नहीं, यहाँ तो मैंने नहीं देखा। घर में खूब करते थे, घर में तो बताते थे गांव वालों को मार, पत्थर से मारते थे। गांव से ये देखो ना, ये देखो सारा सिर फूट रखा है, वहाँ से पत्थर मारा उसने, यहाँ से पत्थर मारा मैंने, मैं यहाँ लग गया खून। ईजा थड़ी हमारी ईजा ने झट से मिट्टी निकाल कर मिट्टी लगाई यहाँ पर, मिट्टी बंद किया, दवाई नहीं कुछ नहीं, अभी भी तब वो कहते हैं कि मतलब सबसे बड़े ठहरे पिताजी के, सबसे प्यार भी काफी मिला था आपको, प्यार मोहब्बत काफी मिला था, काफी। तो गए इस मंदिर मिला है हमें अपने इस वीराने में, चलिए कहते हैं कितना। सोशल मीडिया में देख देख के लोग हैं, तो हम भी पूछते पूछते आ गए आज। अब वो है हमारा गांव घर। हाँ सामने, यस गांव वाला घर दिख रहा है, वो सामने घर दिख रहा है।
तो हम तो पहुंच गए, जैसे पहुंच गए वैसे क्या। हाँ राधा तो भाई आज बन रहे हैं नूडल्स, नूडल उबल चुके हैं, सब्जी रुचि काट रही, गाजर फ्रेंड्स, वी होप कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इससे पहले हम आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए बोलें, हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोग हमें हर व्लॉग में इतने अच्छे कमेंट देते हैं एंड वी अश्योर यू कि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी देते हैं। अ बिग बिग थैंक यू टू यू ऑल। आप लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टा और FB में भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं कुछ नई वैन लाइफ स्टोरीज के साथ, तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।